भारत जोड़ो एक राहुल गांधी जी यात्रा चला रहे हैं ना, क्या भारत जोड़ो इसका अर्थ पहले क्या है, किस चीज से जोड़ना है, उन्होंने कहाँ टूटा है जो जोड़ेंगे, जब इन्होंने तोड़ना, जब इनको तोड़ने की बात थी ना, जब इन्होंने तोड़ा था ना तब जोड़ने की कोशिश नहीं की, तब इन्होंने जल्दबाजी की उसको तोड़ने के लिए, और आज ये दिखावा नहीं, मैं इसको सीधे कहूंगा नौटंकी यात्रा, ये नौटंकी कांग्रेस यात्रा है, ये देश नहीं जोड़ रही, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का अपना अस्तित्व खो चुके हैं ग्राउंड के ऊपर, ये वही लोग हैं जो कहीं ये अपना देख बताइए, बोलिए इनको, रखने दीजिए कोई अब ये टी शर्ट पे आ गए थे, बड़े बड़े नेता टी शर्ट पे बोलने लगे थे, वो गुच्ची का मफलर जो मोदी जी या चश्मा पहन के या अमित शाह जी जो गुच्ची का मफलर 80,000 रुपए का डाल लेते हैं, ये क्या है? मैं ये बोलूंगा, एक टाइम था वो फटा कुर्ता दिखाते थे, वो फटा कुर्ता क्यों नहीं है आज? आज तो गुच्ची की लोग तो बोलेंगे भाई साहब, इन्होंने वही फटा कुर्ता भी दिखाया था ना, ऐसे करके जेब डालकर दिखाया था ना, तो वो उस पर क्रेडिट ले सकते हैं, अगर विपक्ष उनके ऊपर भाजपा वाले अगर उनको अगर टी शर्ट का बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री है भाई साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उसकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो INA विक्रांत में हॉलीडे मनाया जाता था वहां पे, बताइए वहां पे INA विक्रांत में प्राइवेट ट्रिप हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन अभी उनका एक भी सांसद नहीं है, क्या वो टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को? पहले तो मैं बताऊं, मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल और मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रहती हूं। जिस तरह से अभी सर ने पहले अभी आपसे एक मिनट पहले जो बात उन्होंने की कि सारे विपक्ष को एक होना चाहिए और इनको मोदी जी को टक्कर देना चाहिए और अब आना ही विपक्ष को चाहिए, विपक्ष में से कोई भी आए बट आए और मोदी जी ना आए, क्योंकि ये मोदी जी से खुश नहीं है, बट मैं कहती हूं कि क्या ये जो बोल रहे हैं इनकी राय से मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि विपक्ष में आप देख रहे हो कि सब क्या है, अपना अपना जेब भरे में सब भ्रष्टाचार है, कोई भी पार्टी में ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, ममता बनर्जी के उसमें देखा आपने, अभी जो नेता पकड़े गए हैं कितना करोड़ों का रुपए निकले हैं और वो भी कैश में निकले हैं, केजरीवाल के भी सत्यजैन जी हैं अंदर हैं और जो सिसोदिया उन पर केस बना हुआ है, अब बसों का भी घोटाला सामने आ गया है, खुद केजरीवाल जी पे घोटाला सामने आया हुआ है कि उन्होंने जो अपने प्लॉट वगैरह बेचे हैं भिवानी में उनका उन्होंने टैक्स वगैरह नहीं दिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के बनने के सारे गुण इनमें है? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए सहनशीलता भी अंदर होनी चाहिए, जो मोदी जी के अंदर ठीक है वो ऊपर से दिखाते हैं कि मैं सीखूं, बट अंदर उनके अंदर सहनशीलता भी है जो इनके अंदर नहीं है, सिर्फ ये ममता उधर से ममता बनर्जी चाहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, शरद पवार चाहते हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं, केजरीवाल चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं, तो ये सभी चाहते हैं, तो बताओ बनेगा तो, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही ना, तो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो वो बात तो समझ में आती है, क्योंकि कांग्रेस एक शुरू से पार्टी है और वो बड़ी पार्टी है, वो जीते ना जीते वो उनका भाग्य है, वो मेहनत करेंगे तो मे भी आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद कभी आए, लेकिन वो एक बड़ी पार्टी तो वो खड़े हो और उनके साथ उनको सब सपोर्ट करें, केजरीवाल, शरद यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, नीतीश कुमार, तो समझ में आता है, बट नीतीश कहते नहीं मैं खड़ा हूँगा, अगर वो उनको अभी उन्होंने क्यों मोदी जी का साथ छोड़ा, आज से 2-3 साल पहले तो उन्होंने उनका साथ दे दिया, क्यों? उनको पता था कि बिहार में मुझे एक सीट नहीं मिलनी विधायक में, इसीलिए विधायक के जब इलेक्शन हुए विधानसभा तो वो मोदी जी के साथ मिल गए अपना सीट लेने के लिए, वहाँ पर जब वो उनको सीटें मिल गई 50-60 सीटें आ गई, उनको ये था कि चलो मेरे को उपराष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, मैं बीजेपी के साथ मिलकर अगर सत्ता में आ जाता हूँ, जब वो दोनों गद्दियाँ नहीं मिली तो उन्होंने मोदी पे एलिगेशन लगा के वो साइड हो गए, अब वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनूं, तो ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, आएंगे तो मोदी जी, बाकी 2 साल बाद अभी इलेक्शन होने 2024 के लिए, तो उसके लिए अभी हम कहेंगे केजरीवाल आएंगे या नीतीश जी आएंगे या शरद यादव जी आएंगे, ममता आएंगी, ये सब बेकार की बातें, मैं मोदी जी के लिए भी कहूँगी बेकार की बातें, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं, हम ही जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो केजरीवाल जिंदा रहेगा या नीतीश जिंदा रहेगा या ममता बनर्जी रहेंगी, क्या कह सकते हैं कौन जिंदा रहेगा? 2024 में अगर आप ये जनवरी फरवरी में इंटरव्यू लो, मई में इलेक्शन होने हैं, अप्रैल में होने हैं, तब तो लोग अपनी अपनी राय दें तो समझ में आता है, लेकिन अभी से लोग प्रधानमंत्री के इलेक्शन के पीछे पागल हो रहे हैं कि उस टाइम कौन खड़ा होगा मोदी जी के अगेंस्ट, तो ये तो बेकार की बातें हैं, आप 2024 में सोचो कि कौन आएगा, अभी तो पहले जो इलेक्शन होने हैं दिसंबर में गुजरात
में, हिमाचल वगैरह में, उन इलेक्शन के बारे में सोचो कि इलेक्शन में कौन पार्टी जीतेगी। उसके बाद 2024 का 2024 में सोचेंगे, जो पार्टियां जिंदा रहेंगी, जिनके नेता जिंदा रहेंगे, वो सोचे ना कि हम खड़े होंगे। अभी 2024 की बात सोच रहे हैं, अभी बच्ची 16 साल की, 18 की हो जाएगी, तभी तो सोचोगे ना शादी की कि भाई दूल्हा ढूंढेगी। अभी से ढूंढना पैदा होते ही दूल्हा ढूंढना शुरू कर दोगे। हाँ, लड़की पैदा हुई है, पहले उसको 18 का तो होने दो दूल्हा ढूंढने के लिए, आज ही ढूंढना शुरू कर दोगे। वो वाला हिसाब हो रहा है अपोजिट का, तो कि हाँ जी 2 साल बाद का सोच रहे हैं, चाहे जिंदा रहे ना रहे, लेकिन हमने मोदी जी के अंगेंस्ट खड़ा ना अंगेंस्ट तो तुम ऑलरेडी हो। और सबसे बड़ी बात बताऊँ तो कोई भी पार्टी जो है ना एक नहीं होने वाली, ये सबको अपना अपना है कि हमने प्रधानमंत्री बनना है। आज मैं आपको लिख के दे दूँ, ये विपक्ष एक होगा ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल किसी से भी हाथ नहीं मिलाएगा। इसको है, इसके नेता भी बोल चुके हैं, केजरीवाल को भी है कि नहीं मैं ही बस बेस्ट हूँ, मुझे ही मोदी के अंगेंस्ट खड़ा होना और मुझे ही जीतना है। ऐसी ममता में भी प्राउड है, उसको भी है कि नहीं मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगी, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगी, कुछ है पहले ही वो बोल चुके। वो चंद्रशेखर राव साउथ में तेलंगाना में, वो भी कहते हैं मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है। अगर राहुल जी अंगेस्ट खड़े होते हैं वो मुझे समझ में आता है, और बाकी का मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि ये लोग। श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक इसलिए छोड़े होकर बोल रहा हूँ, 2014 के बाद मैं भगवा तो था मगर गाढ़ा हो गया हूँ। भाई साहब ये लाइन मत काटना, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो गुरु के सगे हो, क्योंकि गुरु का सगा केजरीवाल नहीं है। कौन? गुरु का सगा केजरीवाल नहीं है, जब तक जिंदा हूं जब तक बोलूंगा। और दूसरी बात, अब पहली बात इन्होंने बोली, देश का प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता का प्रधान सेवक नहीं है, एक चौकीदार की दृष्टि से अपने आप को देखता है। इन लोगों को तो जुलाब जब लग गया, जब उसने बोला नाम के आगे चौकीदार लगाओ, तो रातों रात ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप सब में अपनी आईडी में लोगों ने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। लोग नहीं लगाएंगे, मगर जब प्रधानमंत्री ने बोला तो लगाया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक बनना चाहता हूँ। तो जब नरेंद्र मोदी ने लगाया नाम के आगे चौकीदार, तो क्या वो चौकीदार बन गया? क्या किसी के घर का? नहीं बना, वो देश का चौकीदार बनना चाहा, चाहे वो धीरू भाई अंबानी की औलाद हो, चाहे वो रतन टाटा की हो, क्योंकि जो देश का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा। इस देश में 70 साल से परिवारवाद चल रहा था। ये भाई साहब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी 80,000 का गमछा पहनते, कितने का? 80,000 का। मैं इनको अभी चैलेंज करता हूँ ओपनली कैमरे के आगे, मैं दिल्ली का दीपक छोड़े होके बोल रहा हूँ, एक आवाज़ पे मेरी आंखों में सच्चाई दिख जाएगी। जो व्यक्ति अपने गिफ्ट भी नीलाम कर रहा है भारत के लिए, जो व्यक्ति ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जितने भी लोग आते हैं उनसे लिखवा के साइन करा के कहता है कि ये मैं अपने घर में सजाने के लिए नहीं ले रहा, जैसे कांग्रेसियों ने एलिजाबेथ की फोटोएं लगाई, कोहिनूर हीरा गिफ्ट करा, वो बेचारी स्वर्गों में है, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए। इन लोगों ने चाइना को गिफ्ट दिया अरुणाचल प्रदेश, तब मोदी कहाँ था? तब कहाँ कौन अंधभक्त था? अब इनके मुंह में फेविकोल लग जाएगा, फेविक्विक, क्या बोलते भैया उसको, फेविक्विक 5 रुपया वाला। प्रदेश में क्या हो रहा है ये तो बता दो आप, कब दिया? देखिए, एक निगम पार्षद के बाहर जाके बोल के दिखाए, जिसका नाम है आजम खान था रामनगर, वो पता क्या कह रहा है? जैसे ही आप लोग पत्रकार जाते हो ना, प्यारा हिंदुस्तान बहुत बढ़िया चैनल है, नाम ही प्यारा हिंदुस्तान है, मैं तो आपके लिए भी ताली बजाऊंगा, जिसका नाम ही प्यारा हिंदुस्तान है इसको इसमें भी दिक्कत होगी, पता क्यों? अंधभक्त की डिग्री दे देंगे आपको, क्योंकि आपने प्यारा हिंदुस्तान लिख दिया। ये डिग्री बांट रहे हैं, जो बोलेगा मोदी बढ़िया है, मैं उस बंदे को वोट क्यों दूं जो आटा भी लीटर के हिसाब से बेच रहा है? सही कह रहे हो आप, क्यों दूं? जो भरत जी को, वो होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इन लोगों को मोदी जी की नीतियों से दिक्कत है कि मोदी जी सुबह उठ के और ये वो लोग हैं कि दारू पीने, ये बात पूरी नहीं होने देंगे, इसे कहते हैं मुद्दा भुटकाओ गैंग। क्या? मुद्दा घुटकाओ गैंग। ये वो लोग हैं जो दारू पीने वाले बिस्लेरी के पानी में दारू पीते हैं, दारू पीने वाले बिस्लेरी के पानी पीते हैं दारू, और ये मोदी जी से पूछते हैं जो देश का प्रधानमंत्री है कि आपका पानी कितने रुपए लीटर आता है। अच्छा, और जो निगम पार्षद इनकी पार्टी के होते थे, इनकी पार्टी का मतलब सबकी पार्टी के, आप बुरा मत मान जाना भाई साहब, आप भी हमारे बीच से ही हो, जब वो कुर्ता पजामा पहनते थे, लंबी लंबी गाड़ी में घूमते थे, अरे वो अगर कपड़े नहीं अच्छे पहनेगा तो 170 करोड़ की इज्जत कैसे बनेगी भाई? क्या वो भूखा नंगा घूमेगा मोदी? इनको उसके कपड़ों से दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ उसके कच्चे बनियान का भी रेट पूछेंगे, ये उसके कच्चे बनियान का भी रेट पूछेंगे। तुमने बोला था हमने टी शर्ट के लिए तुम्हारा वो गैंग ने भाई, आप भी इतने स्मार्ट लग रहे हो पत्रकार महोदय, मैं आपसे पहली बार, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुको, इनका जवाब दे दूं, जवाब इनको जवाब नहीं देंगे। 2014 से पहले तो साइड में ले जाते थे कि मोदी भक्त आ गया है। हाँ मैं भोले का भक्त हूँ, हाँ मैं मोदी भक्त हूँ, तुम्हें कहा है कि जुलाब की गोली लग रही है, बोलूंगा। 2014 से पहले नहीं बोलने देते थे भाई मेरे को, माई गॉड कह रहा हूँ, माई गॉड, घेर लेते थे मुझे और कहते थे इधर आ साइड में, खुल के नहीं बोल रहा हूँ अभी,
नहीं तो इनका ना हिसाब सारा है मेरे पास। रॉबर्ट वाड्रा कौन है ये बीजेपी की बात कर रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा सुनो, आलू जैसी गांधी परिवार में जवाई बना उधर से सोना निकल गया। ये मोदी जी ने कहा था ये वर्ड, वीडियो काट के चल। रॉबर्ट वाड्रा आज ऐसा बन गया है कि इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को पीतल को सोना बना दिया। आप जैसी रॉबर्ट वाड्रा के लिए बोलूंगा इनको बुरा लग जाएगा। हाँ, ये रॉबर्ट वाड्रा के लिए बोल रहा है। अरे किसका जवाई है, किसका जवाई है? 8 साल से गवर्नमेंट में पकड़ा क्यों नहीं? थोड़ा सबर करो, रुको, अभी ईडी अभी अभी पहले लौटते हैं। अभी राहुल गांधी पकड़ा गया तो ये लेट गए। हाय राहुल गांधी, मारा राहुल गांधी। सुनो, अब जीजा को पकड़ेंगे तो कितने लोग लेटेंगे मालूम है? आधा दिल्ली लेटा देंगे लोग। ये चारपाई गैंग है। एक चीज मुझे भी बता, ये पता आप लोग तो पहले मुझे बता दो, पेगासस पे, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, सेंटर ने उसे कितना सपोर्ट किया जो उसने सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया? एक बात बताइए, 70 साल में देश में, 70 साल में देश में कितना विकास हुआ है? अगर सुनिए आप, यहाँ सुनिए तो सही भाई साहब, भाई साहब सुन लीजिए, अगर 70 साल में आपको इतना अच्छा, 70 साल में आपको इतना अच्छा रोजगार मिला, एक बार लूंगा कैमरामैन साहब सच्चाई दिखा कर जाओ, अगर प्यारा हिंदुस्तान है तो 70 साल से आपको कितना बढ़िया रोजगार मिला है आप मुझे बताइए? अगर आपको क्लर्क की भी सरकारी नौकरी मिली है तो बताइए, बिना पैसों के यानी 15 लाख मिले नहीं भाई। पैसे की तो बात ही मत करो, नोट की बात करो, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता ने बोला था, अब ये मुकर जाएंगे, कि जब हम 1 रुपये डालते हैं ना तो पब्लिक के पास 15 पैसा पहुंचता है। कौन बोला? राजीव गांधी प्रधानमंत्री। अब ये कहेंगे वो भी मोदी भक्त है, महाराज वो भी मोदी भक्त का, उसने खुद बता दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कब कपाती है। ए महाराज किसने बोला? एक मुसलमान मुझे भारत में वंचित दिखा दो जिसको मोदी की एक स्कीम का लाभ नहीं मिला। अरे ये सुनो, तो वो भर्जी, अरे उनकी मर्जी है, वो नहीं भर, ये वो सुनिए सुनिए, ये वो लोग हैं कि जैसी कोई बुलेट खरीदता है, ये देखिए भैया बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस की बुराई कर दोगे ना मां कसम कह रहा हूँ, ये पूरी रात नहीं सोएगा, सपने में भी मैं आऊंगा इनके। सपने में मेरे नहीं आते, मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये पता क्यों बुरा मान रहे हैं? इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत योगी से नहीं है, ना योगी से दिक्कत है ना मोदी से दिक्कत है, दिक्कत पता किससे है? उनकी नीतियों से। इनको दिक्कत बुलडोजर से है, इनको दिक्कत राष्ट्रवाद से है। इनको बोला क्या घर नहीं चला सहारनपुर में, अभी 4 लड़के को मार दिया गया दलित को, आप देखो बुलडोजर नहीं चला, पूछो दलित लड़के को मार दिया गया सहारनपुर में, बुलडोजर नहीं चला। यही राजनीति है इस देश में, हिंदुओं को बांट दो, एक को जाट बताओ, एक को गुजर बताओ, एक को ठाकुर बताओ, एक को दलित बताओ, एक को सरदार बताओ। मैं बताओ क्यों? क्योंकि यह कांग्रेस की सत्ता का आने में लोभ है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये जाट, ये गुजर, हमने करा है। आपको कांग्रेस ने कितनी बढ़िया नौकरी दी भाई साहब, हमें भी वो मशीन बता दो जिसमें आटे में तुम लोग नापते हो और वो दे देते हो। मैं बताऊं क्या हुआ 70 साल में? 70 साल में विकास के नाम पे परिवारवाद चला है, और इनको दिक्कत ये नहीं है, हमारे साथ बैठेंगे अभी मगर पीछे से बोलेंगे बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जिसकी तनख्वाह, अरे सुनो ना भाई साहब कितना कमाते हो, आगे आइए ना, अरे नहीं आएंगे। ये देखिए 16,000 रुपये महीना कमाने वाला, देखो बोले हाँ कितने साल हो गए, अरे एक मिनट रुको रुको, आपकी कितनी तनख्वाह है, कितनी तनख्वाह है? अब मैं बताऊं, मैं इनसे पूछूंगा कि दारू के क्या रेट है, ये रेट बता देंगे। कम करोगे नहीं करोगे? अरे कितनी सैलरी है पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा कमाई कितनी, कम करोगे? अरे जज साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, माय लॉर्ड आप क्या नौकरी करते थे पहले, कितना पियोगे, कितना पियोगे? अरे भैया सुनो एक मिनट, भैया सुनो बराबर, सॉरी लास्ट, मैंने नरेंद्र मोदी को आलू प्याज टमाटर और भिंडी के लिए वोट नहीं दिया है, जितना पेट्रोल पी रहे मोदी जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5-10 रुपए इनका रेट घटा दो, इनको जितना पीना पी लेंगे। अरे कितना पियोगे, ये भरे हुए हैं, ये 10 जनपद वाले हैं, ये भरे हुए हैं 10 जनपद वाले, इनसे पूछ रहा हूँ सैलरी क्या है, ये सैलरी नहीं बता रहे, इनसे पूछ रहा हूँ शिक्षा क्या है, ये शिक्षा नहीं बता रहे। इस समय अगर बात की जाए तो कांग्रेस में खुद ही घमासान मचा हुआ है अध्यक्ष पद को लेकर, काफी युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे 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 हम बात करेंगे, क्या कहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? अभी से विपक्ष तैयारी कर रहा है, अभी से राहुल गांधी यात्रा पर निकल चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जो तैयारी कर रहे हैं। या सर उनको दीजिए पहला मौका। सबसे पहले अगर 2024
24 में चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव, तो सबसे बड़ा पीएम जो बनाएगा वो केजरीवाल बनाएंगे, उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सबसे पहली बात ये है, एक भी सांसद नहीं है अभी। सांसद अब आप देखिए दिल्ली में तो पूरी सरकार रही है। सांसद चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 272 सांसद चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बनाएंगे सरकार, लेकिन जिसको पीएम बनाएंगे उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अभी हाल ही में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के 51 बड़े आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, कैसे जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, कहाँ कहाँ से वो सीटें लाएंगे। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के 51 बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ से अपनी सीटें लाएगी। देखिए जम्मू कश्मीर एक अलग पार्ट है, अलग पार्ट नहीं है, अलग पार्ट नहीं है जम्मू कश्मीर, कहीं से भी अलग पार्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अभी जो जैसे केजरीवाल सरकार जैसे सरकार बना रही है उनका बहुत बड़ा योगदान रह रहा है कि हर स्टेट में गवर्नमेंट बना रही है। अब गोवा देख लो, गोवा में भी अच्छा उनका हल्ला है, इलेक्शन लड़ रही है, बनाना मत कहो, बनाना तो आप ऐसे करें कि पूरे 100%। देखिए उत्तराखंड में आप मोदी को सपोर्ट कर रही हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही। देखिए मैं आपने जो जवाब दिया मैं वही आपसे और अभी एक सेकंड वही आपसे और जानना चाह रहा हूँ। योगदान रहता है जब आपकी सीटें आती हैं, आप कहीं पर जो है शामिल होते हैं, किसी के साथ सत्ता में शामिल होते हैं, किसी के साथ आप सरकार बनाते हैं। उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं आई, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, सब जगह जमानत जब्त हो गई। पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए बाकी जगहों पर सीट ही नहीं आ रही है, तो योगदान कैसे देंगे मुझे वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा मुझे बताइए दिल्ली में कितनी लोकसभा सीटें हैं? देखो नहीं मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। 6 लोकसभा सीट, 6 और पंजाब में? पंजाब में आप कुल देश की मिला करके देख लीजिए 544 सीटें हैं, 272 सीटें चाहिए। पंजाब में अभी बाई इलेक्शन पोल हुआ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी हार गई। आप योगदान बताइए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल योगदान कैसे देंगे। यूपी की बात करें, यूपी में मान के चलिए आधी तो सरकार बीजेपी की ही है, मतलब सीट निकलेगी कम से कम 100 सीटें तो लग लेगी समाजवादी पार्टी की, प्लस 80 कुल सीटें हैं, 80 कुल सीटें हैं, 80 कुल सीटें हैं। लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर, 40 तो निकलेगी, ठीक है ना, 40 40 निकलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल और अखिलेश यादव इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा अब पीएम बनाने में। खैर ये बातें 2014 में भी हुई थी, 2019 में भी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को जमीन में नहीं मिला था लोकसभा को लेकर। अब एक चीज बताइए, मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ एज अ पत्रकार, मुझे आप बताइए कि ऐसे जो बोल रही है मोदी आएगा, ठीक है ना, अब आएंगे, अब ऐसे कोई मुझे 5 काम गिनाइए जिन्होंने अच्छा किया हो। आप मेरे को एक काम गिना दो जो मोदी जी ने गलत किया है आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इंटरव्यू होना चाहिए, सबसे पहले इंटरव्यू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पीएम ने इस समय वर्तमान पीएम ने हमारे देश की रक्षा डिपार्टमेंट ऊंचा उठाया है, विदेशी डिपार्टमेंट भी ऊंचा उठाया है, इसलिए सबसे पहले ये योग्य हैं मेरे हिसाब से। अब आती है बात देश को आर्थिक दृष्टि से जो ऊपर उठा ले जाए वो लिखित दे, आर्थिक दृष्टि से भी होना चाहिए, रक्षा विभाग से भी होना चाहिए, और स्वास्थ्य दृष्टि से भी होना चाहिए, और कन्वेंसिंग दृष्टि से भी होना चाहिए कि विदेश में जाएँ किस स्तर से बात करें जिससे हमारे देश की छवि ऊँची हो, जैसा अभी जीते इस बैठक में भी देखने को हमें मिला था। खैर आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैं अंकल जी की एक बात से तो सहमत हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि IAS IPS हमारे यहाँ कोई भी पोस्ट छोटी भी नौकरी होती है तो पहले उसके लिए हम जाके सारी प्रतिक्रियाओं को पूरा करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब जैसे अभी कुछ समय पहले एक शिक्षा मंत्री जी बन गई थी, आप सबको पता है वो 12वीं तक ही, अब वो 12वीं तक ही थी, अब शिक्षा कोई PhD कर रहा है तो 12वीं वाला शिक्षा मंत्री PhD वाले को थोड़ी संभाल सकता है। तो इस तरह का जो भी मंत्रालय है कम से कम इस लेवल पे तो होना चाहिए कि सामने वाला अच्छा ग्रेजुएट हो। मंत्रालय तो चुनाव जीतने के बाद मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी विपक्ष की तैयारी चल रही है उसको लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, या इसी तरह भी जो कांग्रेस में खुद एक घमासान मचा हुआ है, अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो है पार्टी 10 हिस्सों में बिखरी हुई दिखाई दे रही है, तो क्या 2024 में टक्कर दे पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी जी ने संकेत दिए अभी वहीं से यात्रा से ही अपने कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो क्या कुछ हो जाएगा, तो एक तरह से संकेत मिलते हैं कि वो अपना
और वैसे भी 30 सालों से गांधी परिवार ने कोई वो अपना पद तो ले ही नहीं रखा है, वहाँ की कोई पद लिया हो मंत्री, सब कांग्रेस तो गांधी परिवार से ही चल रहा है। कांग्रेस का पूरा सब तो गांधी परिवार से ही चल रहा है। गांधी परिवार क्या एक सरनेम होना बहुत बड़ा वो है? गांधी जी ने कितना बड़ा योगदान दिया। अगर उनके ग्रैंड फादर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान पता है कि वो कितने साल जेल में रहे आज़ादी के टाइम? अगर वो उस परिवार से हैं, कोई भी होगा जिसके परिवार में इतनी शहादत हो, तो गर्व करेगा ही अपने परिवार पे। बिल्कुल, अपने परिवार पे गर्व करेंगे। क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है देश को चलाने की, देश को संभालने की? अभी 8 सालों में अब तक जितने बयान राहुल जी ने दिए हैं, उठा के 2014 से अब तक देख लिए जाए, लगभग पूरे सच हुए। नोटबंदी के लिए आपके देश के, हमारे देश के तमाम इकोनॉमिस्ट जो थे सब मना कर रहे थे, इवन रघुराम राजन तक मना करके गए, अभी निकाल दिया और इंग्लैंड ने उन्हें लो। अभी तमाम इन्हीं इकोनॉमिस्ट की बात की जाए जो आकर के अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं, अभी अगर बात की जाए तो भारत 2014 में 10वें नंबर पर था जो है पूरी दुनिया में। जीडीपी की बात करें, अभी इंडिया का प्लस 13.2 गया। यूएस जो कि डेवलप्ड नेशन है वो माइनस में गया, यूनाइटेड किंगडम माइनस में गया, लेकिन इंडिया ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की। चाइना जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट है 0.4 गया, बट इंडिया ने प्लस 13.2 की इकोनॉमी से जो है ग्रोथ करी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये शहर है, यहाँ तो हर आदमी कमाता खाता है। आप जरा गाँव में जाइए तो जरा उन्हें देखिए कि वो किस तरह से खा रहे हैं। ये तो शहर है दिल्ली मुंबई, आप शहर में ये चीज़ें कर रहे हैं, गांव में जाइए ना, निकलिए यहाँ से बिहार में या उत्तर प्रदेश के, पिछड़े राज्य बहुत सारे हैं, आप अयोध्या ही चले जाइए। अयोध्या के बहुत से गांव मैं बता सकता हूँ आपको। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर जब रुकेंगे, बड़ा गांव है, सुहावल है, वहाँ छोटे छोटे गाँव के वो पड़े हैं, जरा वहाँ जाइए कि छप्पर डाल के लोग रह रहे हैं, जब बारिश होती है तो पन्निया तान के, तो ये चीज़ें दिखेंगी। जब तक हम कैसे मान लें, खाली जबानी आपने कह दिया तो जबानी। ये हमने नहीं कहा है, ये बीजेपी ने नहीं कहा है, ये ब्लूमबर्ग जो एजेंसी है, ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट्स आई हैं। ये सरकार ने कहा तो आप उनका श्रेय लेना चाहते हैं? नहीं, हम उनका श्रेय नहीं ले रहे हैं। बीजेपी हो कोई भी हो, मैं आपको नहीं, उन्होंने भारत देश के लिए कहा। ये बाहर के न्यूयॉर्क टाइम का श्रेय केजरीवाल को देंगे, मगर अगर जो एक एजेंसी पूरे देश के देशों का सर्वे करके जीडीपी का आंकलन करते हैं उसका श्रेय नहीं लेंगे, क्योंकि वो हाँ मोदी जी को क्रेडिट मिल रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत मोदी जी से है, भाजपा से है। ये पूरा विश्व मान रहा है, आज पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई है हमारी, और फिर भी हम उसको झुकला रहे हैं, हमारे में से कुछ लोग उसको झुकला रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमने अपनी जो सरकार का हमने मोदी जी को चुना है, हमें उसको उनका हौसला और बढ़ाना चाहिए कि कल को हम अगर फिफ्थ नंबर पे हैं तो चौथे पे, तीसरे पे और नंबर वन पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हमें अपने घर पर दिवाली नहीं मनानी क्योंकि कहीं मोदी को क्रेडिट ना पहुँच जाए, यहाँ बात ये है। अब जिन्हें 650 करोड़ लोगों ने वोट दिया हो, मेरे देश 50 करोड़ पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में 800 करोड़ हैं, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो 650 करोड़ मेरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, 510 करोड़ लोग कहीं से और अलग से आके वोट दे रहे हैं, वो उनका ही बयान है मोदी जी का, मेरा नहीं है, ये मोदी जी का ही बयान है। 650 करोड़ और 22 रुपए लीटर और 40 रुपए लीटर आटा के लिए क्या कहें? 22 रुपए लीटर और 40 रुपए लीटर आटा के लिए तुरंत बदल दिया गया। अब यहाँ तो भरत जी को भेज दिया गया था कि जाओ रावण मृत्यु संहिता पे पड़ा है, कहो तो वीडियो दिखाऊं, ये मोदी वीडियो दिखाऊं, और 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन ले जाए, आपने वो तो कुछ बोला नहीं, वो नहीं बोला नौकरी, जब नहीं, राजनाथ सिंह एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो युवा अपनी विचारधारा रख रहे थे, उस बोले बैठ जा सब काम होगा, ये क्या है? मतलब आप देश के एक उच्च पद पे बैठे हो, और मेरी बात सुनो और बात रही इकोनॉमी की, आप सुनो और बात रही इकोनॉमी की, ये हमारा देश है ना कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना, हमें क्या करना इकोनॉमी से, हमें धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, हम खुश नहीं है, तो क्या इकोनॉमी से? इकोनॉमी से ही पूरी दुनिया जो है वो चलती है, और इकोनॉमी अगर आपकी बेहतर होती है तो कल को अगर किसी के साथ भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई भी देश आपके साथ लड़ने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। ये हमें पूरे विश्व को भी जो है इस हिसाब से देख करके चलना पड़ता है। आप अपने क्या
देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही कि पूरा देश जो अर्थव्यवस्था एक आंकड़े मायने रखते हैं, ये आंकड़े कोई अपने से हवा में नहीं बनाए गए हैं, ये देश में कितना पैसे का रोटेशन हो रही है ये उसके बेसिस पे, और कितना नया जो पैसा जीएसटी के थ्रू हो या निकला हो कैसे उसका रोटेशन हुई है ये उसके आंकलन पर होता है। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, वहाँ पर खाने की उनको लाले पड़ गए हैं, कहाँ 300-400 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी नेतृत्व है, हमारा जो सरकार है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए भाई साहब कि आज हमारे वो हालात हमें यहाँ नहीं है। हम श्रीलंका के हमारे बीच में विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो ये सपना देख रहे हैं कि कहीं हमारे यहाँ श्रीलंका जैसे हालात बन सके, उनके ऊपर कोशिशें कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ भारत जोड़ो एक राहुल गांधी जी यात्रा चला रहे हैं ना, क्या भारत जोड़ो, इसका अर्थ पहले क्या है, किस चीज़ से जोड़ना है, उन्होंने कहाँ टूटा है जो जोड़ेंगे। जब इन्होंने तोड़ना था ना तब जोड़ने की कोशिश नहीं की, तब इन्होंने जल्दबाजी की उसको तोड़ने के लिए, और आज ये दिखावा नहीं, मैं इसको सीधे कहूँगा नौटंकी यात्रा, ये नौटंकी कांग्रेस यात्रा है, ये देश नहीं जोड़ रही, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का अपना अस्तित्व खो चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। ये वही लोग हैं जो कहीं ये अपना देख बताइए, बोलिए इनको, रखने दीजिए कोई अब ये टी शर्ट पे आ गए थे, बड़े बड़े नेता टी शर्ट पे बोलने लगे थे, वो गुच्ची का मफलर जो मोदी जी या चश्मा पहन के या अमित शाह जी जो गुच्ची का मफलर 80,000 रुपए का डाल लेते हैं, ये क्या है। मैं ये बोलूंगा, एक टाइम था वो फटा कुर्ता दिखाते थे, वो फटा कुर्ता क्यों नहीं है आज, आज तो गुच्ची की लोग तो बोलेंगे भाई साहब, इन्होंने वही फटा कुर्ता भी दिखाया था ना, ऐसे करके जेब डालकर दिखाया था ना, तो वो उस पर क्रेडिट ले सकते हैं, अगर विपक्ष उनके ऊपर भाजपा वाले अगर उनको अगर टी शर्ट का बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री है भाई साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीन पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उसकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो INA विक्रांत में हॉलीडे मनाया जाता था वहाँ पे, बताइए वहाँ पे INA विक्रांत में प्राइवेट ट्रिप हुआ करती थी। इस समय 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और वहीं बात की जाए तो विपक्ष के बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि वो चाहते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना, उनको लेकर क्या कहें। विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो टक्कर दे सकती है मोदी जी को, विपक्ष एकजुट होने की प्रक्रिया चल रही है, अब किसको कितना सीट आता है उस पर डिपेंड करेगा। तो तृणमूल कांग्रेस भी है, केजरीवाल भी, अब तो उनका लोकसभा में एक भी सीट रहा नहीं, जो भी था वो सब इनका ख़त्म हो गया। अब रही बात नीतीश कुमार की, उस सबको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। बात है कि मोदी जी जिस मुद्दा को लेकर के 14 में आए थे, 19 में आए कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम रोज़गार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, 2 गो बात तो उनका एकदम मजबूती से था, लेकिन इसमें कुछ काम उनका नहीं हो सका। महंगाई जब से ही सरकार आई, जैसे लोग कहते थे कि ये सरकार तो आएगी लेकिन पूंजीपति की सरकार है, वो अब देखने को मिल रहा है कि जो पूंजीपति वाले लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका कहना ही था, जो मिडिल क्लास वाले अपने आमद खर्च का हिसाब खुद रखें, उनके लिए हमारे पास में कोई योजना नहीं है, वो भी देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष इस सब को देखते हुए, विपक्ष को आना चाहिए, 10 साल इनका होने जा रहा है, एक बार फिर विपक्ष की पार्टी होगी तो लगेगा कि आम जनता की पार्टी बनेगी, तो आम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। देखिए विपक्ष तो इस समय खैर खुद ही नहीं जान पा रहा कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा, और भी यहाँ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, इस समय विपक्ष जिस तरह से अलग अलग कैंडिडेट उभर करके सामने आ रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार खड़े होना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल खड़े होना चाहते हैं, राहुल गांधी अपनी यात्रा चला रहे हैं, ममता बनर्जी आना चाहती हैं, क्या कहेंगे, क्या विपक्ष इतना बिखरा हुआ विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे पाएगा। देखिए विपक्ष तो बिखरा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही गाड़ी में सब सवार हो जाए और अच्छी तरीके से, और इनका भी एक बार विपक्ष का मौका मिलना चाहिए। मोदी जी ने काम किया है ये बात ठीक है, लेकिन कुछ अंकुश पे जो सिलेंडर गांव में वितरण किए 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी दिया है, आज वो सिलेंडर ऐसे पड़े हैं, जाके सर्वे कीजिए, एक एक गाँव में देखिए, वो सिलेंडर जल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे के हैं, उज्ज्वला 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 वो दिखाने के हैं, ठीक है। तो इसलिए
ये केजरीवाल जी जो भी विपक्ष वाले पार्टी हैं ये एक गाड़ी पे सवार हो जाए और मजबूत से हो जाए, क्योंकि इनकी टायर भी मजबूत हो, इंजन भी मजबूत हो, सारे एक गाड़ी पे सवार हो जाए। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि अपनी खींचातानी कर रहे हैं, तो ये सवार होने वाले नहीं हैं। हम तो कहते हैं इनकी सुमति दे, ईश्वर इनको दिमाग दे, बुद्धि दे कि गाड़ी पर सवार हो जाए, मजबूत वाली गाड़ी पर सवार हो जाए, ठीक है। और इनको एक बार सत्ता में आना चाहिए। मैं और एक चीज़ और बता देता हूँ, गांव में इतने पेट्रोल हो गया, सबके गांव में घरों में दो पहिए की गाड़ी, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं, 50% से भी कम चल रहे हैं, क्योंकि तेल ही महंगा इतना है कि गाड़ी कौन चलाएगा। वो सोचते हैं कि हम इतना तेल भरवाएंगे तो हम सवारी वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कल दो वक्त का रोटी आएगा, हम शाम को कुछ और खाएंगे, ये कैलकुलेशन करते हैं। तो मोदी जी काम किए। प्लस एक बात, ये घरों को ये जो मकान देने की बात करी ना, ये भी ठीक है, मकान तो दिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मकान है, जाके सर्वे कीजिए, आपका मकान बना हुआ है, उनके ऑलरेडी फ़ोटो ले लिए, हाँ जी ये गरीबी रेखे के लेके नीचे आ गए, इनकी फ़ोटो ले लिया, और उनकी उनका मकान पास जिनको मकान मिलना था, जिनका मकान टूटा हुआ उसको मकान का फ़ोटो नहीं लिया गया, ना उसका नाम लिया गया, ना कुछ लिया गया। हाँ जिसको एक मिनट अंकल, एक मिनट सॉरी, देखिए तो ऐसी बात हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, करे भ्रष्टाचारी कम हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, हम आपको 2 रुपये दे दिए, हमारा मकान का दीवार आपने एक छोटा सा ईंटा डाल दिया, 5 रुपये दोगे भाई तो अगले दिन हो जाएगा और काम। तो ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन इस पर बहुत बड़े सरकार जो है देश को सुप्रीमो है, इस पर बहुत बड़ा अंकुश करता है, कहते कि 100% हकदारों को आ जाएगा, हकदारों तो 100% नहीं गया अभी, तो इस चीज़ से काम किया है सरकार, लेकिन ये सरकार को करे अंकुश लगाने, अंकुश नहीं लगे हैं। ठीक सर, और कुछ सर?